हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो भी हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, ये अभी आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है केमिकल साइंस का। इसमें हम बताएंगे कि टोटल क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टाइप्स के आपके सेशन में डिवाइडेड हैं। तो ये रिवाइज एग्जाम स्कीम है फ्रॉम जून 2017 सीएसआईआर नेट एग्जाम ऑनवर्ड। टोटल ड्यूरेशन होता है टाइम्स 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क होता है 200। जो पेपर होता है हमारा सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का, वो अब ऑनलाइन मोड में होने लगा है। पहले ये पेपर आपका ऑफलाइन होता है। सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस जनरली ईयर्स में 2 बार अपना एग्जाम कंडक्ट कराता था, एक दिसंबर में, दूसरा जून में। अब इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग हो रही है इधर उधर, तो उससे कोई भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो सीएसआईआर नेट एग्जाम फॉर अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप सेल बी ए सिंगल पेपर टेस्ट हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। जो सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर होता है वो एक सिंगल पेपर होता है। उसी पेपर में आपको 3 सेशन मिलते हैं, सेशन ए, सेशन बी, सेशन सी। अब पार्ट फर्स्ट जो होता है, पार्ट फर्स्ट में आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं। 20 क्वेश्चन में आपके जनरल स्टडीज के होते हैं, यानी जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड कह सकते हैं आप। इसमें जनरल साइंस भी होता है, क्वालिटेटिव रीजनिंग भी होता है, एनालिसिस भी होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड भी होता है। 20 क्वेश्चन पार्ट ए में आते हैं, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, यानी सेक्शन ए से आपको 30 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में अगर आप देखेंगे तो सेक्शन बी कॉन्टेन 40 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवरिंग द टॉपिक गिवन इन द सिलेबस। यानी आपका सिलेबस जो होगा केमिकल साइंस, उसके 40 क्वेश्चन आएंगे पार्ट बी में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। The candidate shall be required 35 क्वेश्चन, यानी 40 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में आएंगे केमिस्ट्री के, उसमें से 35 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 35 क्वेश्चन में ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा और जो भी आपके टोटल मार्क्स होंगे सेक्शन बी में वो 70 मार्क्स होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आप देखेंगे तो सेक्शन सी कॉन्टेन 60 क्वेश्चन। सेक्शन सी में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे आर डिजाइन टू टेस्ट ए कैंडिडेट नॉलेज फॉर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इंडोर एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। दिस क्वेश्चन शैल बी एनालिटिकल नेचर वेयर ए कैंडिडेट इज एक्सेप्टेड टू अप्लाई दी साइंटिफिक नॉलेज अराइव टू दी सोल्यूशन टू गिवन साइंटिफिक प्रॉब्लम। ए कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू एंसर एनी 25 क्वेश्चन, यानी 60 क्वेश्चन आपके आएंगे, इसमें से आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। 25 क्वेश्चन में से आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है, ईच क्वेश्चन कैरी आउट 4 मार्क्स, यानी जो सेक्शन ए होगा, सी होगा, वो आपका कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क का होगा। तो सेक्शन सी में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, जो कि मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में 60 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहते हैं। 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 25 क्वेश्चन मिला के 100 मार्क्स होते हैं। तो सेक्शन सी कॉन्टेन करता है आपका 100 मार्क्स, सेक्शन बी कॉन्टेन कर रहा था आपका 70 मार्क्स, सेक्शन सी कॉन्टेन कर ए कॉन्टेन कर रहा था आपका कितने मार्क्स, 30 मार्क्स। इस अकॉर्डिंग टोटल मार्क्स आपके कितने थे, आप पेपर्स के 200 थे। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 25% ईच रॉन्ग एंसर। प्रत्येक गलत रॉन्ग एंसर के लिए आपको 25% माइनस मार्किंग होगी। तो यहाँ से ये पॉइंट आपके मन में अगर कंफ्यूजिंग है कोई कि सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है, तो आप याद रखेंगे कि इसमें 25% माइनस मार्किंग है, यानी एक रैंक पे एक सुन अगर आप कर देते हैं तो उसका 25% माइनस मार्किंग है। तो इस अकॉर्डिंग आप ओवरऑल देख सकते हैं कि केमिकल साइंस में जो भी एग्जाम पैटर्न है, पार्ट 3 पेपर्स में डिवाइड है, ए, बी और सी। ए पार्ट में आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, कुछ रीजनिंग के भी हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी हैं। तो इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे, करने कितने होंगे, 15 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2। पार्ट बी में टोटल क्वेश्चन कितने आपको मिलेंगे, 40 क्वेश्चन, कितना करना होगा आपको, 35, कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के। पार्ट सी में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन में से कितने करने होते हैं, 25, प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क का होता है, 4 मार्क्स का, यानी टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने हो गए, 100,
सेक्शन सी में, आपके 70 सेक्शन बी में, 30 क्वेश्चन नंबर के होता है ए ए से पार्ट ए होता है। तो इस अकॉर्डिंग आपने देखा सी एस आई आर नेट केमिकल साइंस का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस टाइप का होता है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।